सो हे गाइस, मेरा नाम है कमलेश और आपको हमारे यूट्यूब चैनल यंग टेक में स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो को देखा, इस तरह का वीडियो अपने पार्टनर के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आपको वीडियो 100% समझ में आ जाएगा। और गाइस, जो भी आपको स्क्रीन पे काइन मास्टर एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस, आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे जाना होगा, जो बीच वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अपने यहाँ पे मीडिया के ऑप्शन पे जाना होगा, जो भी आपकी फोटोज है उन सभी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो कुछ इसी तरीके से मैं यहाँ पे फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस, आपको अच्छी अच्छी वाली यहाँ पे कपल्स की चार या फिर पांच या फिर उससे ज़्यादा फोटो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, मैं यहाँ पे इस तरीके से फोटो को सेलेक्ट कर दिया हूँ। अब आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा कुछ इसी तरीके से। देखो, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मीडिया पे जाना होगा। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आपको इस ऑप्शन पे आने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रीन स्क्रीन कुछ इसी तरीके से, इसमें साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा और आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लाइड करना होगा, मतलब आगे की तरफ आपको चलाना होगा और यहाँ पे इस जगह पे रोक लेना होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे की तरफ यहाँ पे क्रोमो की का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसको इनेबल जैसे ही करोगे आपका इसका कलर हट जाएगा और जो भी बैकग्राउंड का कलर यानी जो फोटो आ रही है इस कलर में लग जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से आपको इसको 50% से थोड़ा ज़्यादा कर लेना होगा। तो मैंने इसको 64 पे कर दिया, आपका वीडियो अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। अब गाइस, इसमें साउंड को ऐड कैसे करना होगा, आपको आल मटेरियल के नाम से सभी की लिंक मिल जाएगी। अब मैं इसको साउंड को ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना होगा, यहाँ पे ऑडियो के ऑप्शन पे जाने के बाद फोल्डर में जाना होगा और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते ही आपको यहाँ पे जो भी आपने गूगल से डाउनलोड किया ऑडियो वगैरह उन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इस तरीके से इसमें साउंड आ जाएगा। साउंड आने के बाद आपको करना क्या होगा, कुछ इसी तरीके से आपका देखो वीडियो इतना तो चल रहा है, मतलब इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मतलब दोनों फोटो के बीच में जो भी आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। और आपको सबसे पहले अपना डेटा ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे देख पा रहे हो गाइस, अच्छी तरीके से देख लीजिए वीडियो को, गेट मोर का ऑप्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पर ट्रांजिशन दिखाई दे रहे हैं सभी को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपको सभी को डाउनलोड करना होगा, मतलब एक को ही डाउनलोड करना होगा जिसका मैं आपको नाम बताऊँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो स्लाइडर फ्लैश के नाम से वो मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। कुछ इसी तरीके से देखो इसमें ट्रांजिशन लग जाएगा और जो भी इसकी स्पीड आ रही है देखो यहाँ पे ये फास्ट हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो आपको 2.0 पे इसको रख देना होगा। बस आपको इतना करने के बाद बैक आ जाना होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो वीडियो को थोड़ा सा आगे चला के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, आपने देखा बिल्कुल परफेक्ट हमारा वीडियो पे मैच हो गया है। और आपको सेकंड ट्रांजिशन पे जाना होगा, इस पे आपको फिर से उसी को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइज, यहाँ पे आपको बार बार करके आपको यहाँ पे सभी में ट्रांजिशन दे देना होगा। जो भी आपने जितनी भी फोटो सेलेक्ट की है आप यहाँ पे एक फोटो भी रख सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 4-5 फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप गाइज यहाँ पे एक फोटो का भी यूज कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से, आपका वीडियो परफेक्टली बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसी तरीके से आपको सभी में दे देना होगा। और आपको यहाँ पे करना क्या होगा, देखो आपको इस जगह पे आ जाना होगा, जैसे आपका यहाँ पे ग्रीन कलर खत्म होता है और यहाँ पे जो भी फोटो जा रही है इस जगह पे आने के बाद आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा। मीडिया पे जाने के बाद इसमें एक कलरफुल टेम्पलेट को इसमें ऐड करना, तो गाइज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, कुछ इसी तरीके से आ जाएगा। इस पर फिर से क्लिक करने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा, इसको भी फुल स्क्रीन कर देना होगा। तो इस पर फिर से क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे स्लाइड करना होगा। गाइज अच्छी तरीके से देख लीजिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद स्क्रीन कर देना होगा। तो स्क्रीन जैसे ही करोगे इसमें यहाँ पे कलर लग जाएगा और जो भी आपको अभी दिखाई नहीं देगा, अभी वीडियो पूरा चलाओगे तब भी आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें आप ऐड कर सकते हो और आपका वीडियो परफेक्टली बन जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपका भाई बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिखा दिया। तो गाइज मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ यार, दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर देना। तो गाइज मैं आपको वीडियो पूरा प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब है, इस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो गाइज आपको करना क्या होगा, कुछ इसी तरीके से वीडियो को क्रिएट कर लेना होगा और आपको शेयर के ऑप्शन पे जाने के बाद वीडियो को सिंपल कर देना होगा एक्सपोर्ट। मिलते हैं कुछ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक लाइक तो बनता है भाई के लिए।